लेंसेट को लगाने का एक सॉकेट बना हुआ है। उस सॉकेट में आपको सिंपली इस पार्ट को आपको यहाँ पे स्लाइड करके अंदर आपकी रीडिंग आ जाएगी, मेरी ही रीडिंग आई है। दोस्तों अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य मधुमेह या डायबिटीज से ग्रसित है या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में है और डॉक्टर्स ने एडवाइस करी है कि आप अपनी शुगर की रीडिंग को मॉनिटर कीजिए, तो उसके लिए एक डिवाइस बेस्ट होता है, उनकी सर्च में हम लगे हुए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट ग्लूकोमीटर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। हमारी ये पूरी सीरीज है जिसमें मैं आपके लिए अलग अलग ब्रांड्स के ग्लूकोमीटर्स को मैंने मंगवाया है और आपके लिए उनका टेस्ट किया है और एक ऑनेस्ट रिव्यू बनाया है, जिसके बाद में जिन सारी मशीनों को देखने के बाद में आप क्लियरली अपना मैंडेट बना सको कि हाँ ये ग्लूकोमीटर बेस्ट होता है और ये मुझे या मेरे परिवार के सदस्य के लिए लेना चाहिए, जिनको कि बार बार शुगर की वजह से या प्री डायबिटिक स्टेज की वजह से अपनी शुगर की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में नेक्स्ट ये ग्लूकोमीटर है गाइस, तो फटाफट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या कौन सी डिवाइस इसमें हमें मिली है। ओके गाइस देखिए, वाओ ये एक हमें मिला है मिडमार्ट का, ओके ओके सा कोई एक कैरी बैग का कवर है। इसके अलावा ग्लूकोज स्ट्रिप्स, जी हाँ, और हमने आपके लिए मंगवाया है एक्यूचेक का एक्टिव वाला ग्लूकोमीटर। जी हाँ गाइस, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है और ये इस बॉक्स को रख देते हैं साइड में। और देखिए गाइस, ये ग्लूकोमीटर हमने मंगवाया है, ओके एक्यूचेक। अगर मैं सही बात बताऊँ, आप इंटरनेट पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्यूचेक ही इंडिया का नंबर वन ब्रांड है। अब वो क्यों है, कैसे है, वो आज इस टेस्टिंग के बाद में आपको पता लग जाएगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और बॉक्स के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस मिली है वो भी हम चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, तो जैसे ही बॉक्स को हम ओपन करेंगे तो हमें यूजर मैनुअल बुक मिली है, जिसको पढ़ने के बाद में हम हमारी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। वाओ गाइस, इसके अलावा एक सॉलिड केस मिला है जिसको हम ऑन द गो कैरी कर सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट बड़ी है तो आराम से ही पॉकेट के अंदर में भी आ जाएगा और आपको इधर उधर ले जाने के लिए कोई इश्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट गाइस, ये सारी चीज़ें हैं तो इनको पढ़ने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमें करना चाहिए। बॉक्स को कर लेते हैं तो ओपन, देखिए गाइस, वाओ ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड बॉक्स है जिसके अंदर में सारी चीज़ें आसानी से हम रख सकते हैं। ओके तो देखिए गाइस, सबसे पहले ये है यहाँ पे लेंसेट्स, 10 लेंसेट्स फ्री आई है और 10 ही स्ट्रिक्स बॉक्स के साथ में आई है। बॉक्स के अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 900 से 1000 रुपीज़ के ऊपर में है। इस ग्लूकोमीटर का बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, 10 ये लेंसेट्स डिवाइस है, इनको सॉफ्ट टिक्स कहते हैं और ये जो लेंसिंग डिवाइस है ये हमें मिला है यहाँ एक्यूचेक वाले, इसको सॉफ्ट क्लिक कहते हैं, हम लेंसिंग डिवाइस कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2, देखिए गाइस 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 के बाद में 1 2 3 4 और 5 तक की इसकी पेनेट्रेटिंग की पावर है। आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है, पतली स्किन है, तो आपको 1 पे रखना है, उसके बाद में ट्रिगर को पुल करके और क्लिक करना है। अगर कुछ कुछ लोगों की मॉडरेट होती है तो उनके लिए फिर 3 पे हम बेस्ट रख सकते हैं, और अगर कभी कभार आपने देखा होगा किसी की स्किन बहुत थिक होती है तो फिर हम अगर 1 पे प्रिक करेंगे तो स्किन से ब्लड नहीं आएगा, इसलिए उसको 5 पे करके फिर आपको प्रिक करना है, तो जिसके बाद में आपको ब्लड आएगा और इससे अपनी ड्रॉप यहाँ पर लगा के अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा ये 10 स्ट्रिप्स मिली है तो स्ट्रिप्स को मैं निकाल लेता हूँ। देखिए गाइस, ऐसे वाले बड़े से बॉक्स में ये आई है और बाकी कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो स्ट्रिप्स को अगर ओपन करके देखेंगे हम तो गाइस, टेस्ट स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो ये जो कन्वेंशनल आजकल सभी ग्लूकोमीटर्स की स्ट्रिप्स आ रही है उनसे अलग है। इसमें क्या है गाइस कि जो बाकी की टेस्ट स्ट्रिप होती है वहाँ इनके टिप पे आपको ब्लड की ड्रॉप को लगाना है और फिर वो ब्लड शॉक करने के बाद में आपकी रीडिंग ले लेता है। इसमें थोड़ा सा उल्टा है गाइस, इसमें यहाँ इस टिप पे आप जो ग्रीनिश एरिया देख रहे हो गाइस, ये जो ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पे आपको ब्लड को लगाना है, उसके बाद में आपकी रीडिंग आएगी। इसके अलावा गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि टेस्ट स्ट्रिप्स को आपको एक बार ओपन करने के बाद में 3 मंथ के अंदर में ही इनको यूज कर लेना है। ओके, अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो ये एक्सपायर हो जाती है। इसके अलावा आपको जब भी टेस्ट स्ट्रिप को यूज कर रहे हो उसके बाद में इस बॉक्स को ऐसे एयर टाइटली बंद कर देना है, क्योंकि ये हीट और मॉइस्चर से खराब हो जाती है। इसके अलावा आप पीछे की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे कलर कोड बना हुआ है, अभी अगर देखोगे तो लाइट ग्रीन कलर का इसका कोड बना हुआ है। दोस्तों
अगर इस कोड को हम यहाँ टेस्ट स्ट्रिप से मैच करेंगे तो हमारी रीडिंग के बारे में ये पूरी बात बता देगी। देखिए गाइस, अभी फ़िलहाल ये यहाँ वाला मैच कर रहा है, यानी कि हमारी इस स्ट्रिप्स के ऊपर में 0 की रीडिंग है। टेस्ट स्ट्रिप के बाद में जैसे जैसे कलर आप देख लोगे उस अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी शुगर कितनी आ रही है। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे है हमारा ग्लूकोमीटर। ओके गाइस, देखिए बहुत ही कॉम्पैक्ट और सॉलिड फील वाला है। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल लगाने का सिस्टम है, ऐसे करके आपको ओपन कर लेना। ओके गाइस, तो ये सेल इसमें ऑलरेडी लगा हुआ आया है, इसी को हम लगा देते हैं और ऐसे इसको बंद करना होता है। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, एम स्टैंड करता है गाइस मेमोरीज की, और एस से स्टार्ट और ऑफ का बटन है। ओके, जैसे ही हम स्ट्रिप लगाएंगे ये ग्लूकोमीटर रेडी हो जाएगा और हम हमारी रीडिंग इससे आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस मशीन से कैसे हम हमारी शुगर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी लैंसेट डिवाइस को रेडी करना है, तो उसके लिए आपको बस सिंपली ये जो लेंसिंग पेंस है इनको आपको निकाल लेना है बाहर। गाइज, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ने पूछा था कि इस लेंसिंग डिवाइस को कितने बार हम यूज कर सकते हैं। अगर आप एक आदमी ही यूज कर रहे हैं तब भी एक ही बार इसको यूज करना है, और बहुत सारे परिवार में 3-4 लोगों का अगर शुगर चेक कर रहे हैं तो 100% ही एक ही व्यक्ति पे एक ये लेंसिंग डिवाइस यूज होनी चाहिए। ओके, तो इसको ओपन करने का सिंपल सा तरीका गाइज है, सबसे पहले आपको यहाँ से इसको पुश करके देख लेना है कि ये रिलीज बटन ओके है या नहीं। उसके बाद में सिंपली कैप को आपको थोड़ा सा रोटेट करके और बाहर की तरफ निकाल लेना है। जैसे ही आप निकालोगे यहाँ पे आप देखोगे इस लेंसेट को लगाने का एक सॉकेट बना हुआ है, उस सॉकेट में आपको सिंपली ऐसे प्रेस कर देना है और फिक्स कर देना है। जैसे फिक्स करते हैं तो इसमें फिक्स की आवाज़ आ जाती है, उसके बाद में ये हिलेगा नहीं। ओके, तो ऐसे वाला ये लग जाता है। इसके बाद में इस कैप को सिंपली आपको गोल गोल घुमा के रोटेट करके निकाल देना है। ओके गाइस, तो अब जो ये लेंसेट की कैप आपने निकाली, इस कैप को संभाल के रखना है। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि इसका क्या इस्तेमाल करना है। ओके, तो इसके बाद में सिंपली इस कैप को लगा देना। कैप को लगाते समय ध्यान ये रखना है कि ये जो नीडल है इसके ऊपर में ये कैप का कोई भी पार्ट टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये ब्लंड हो जाएगी और आपको टेस्ट करने के दौरान पेन देगी। ठीक है गाइस, देखिए आवाज़ क्लिक की आवाज़ आई, इसके बाद में ये रेडी हो गया है। या मार्कर की बात करेंगे तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 2 पे है, मैं नॉर्मली 2.5 के मार्क पे इसको सेट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको सिंपली इसको प्रेस करके ट्रिगर करना है, और सामने की तरफ ये जो बटन दिख रहा है येलोइस कलर का, ये इसका रिलीजिंग पॉइंट है, यानी कि आपको फिंगर टिप पे लगाना है और इसको बटन दबा के इसको क्लिक करना है। ओके, अब गाइज इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ से हम इसको क्लिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेंसेट को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आप मिडिल फिंगर या फिर रिंग फिंगर का इस्तेमाल कीजिए, और बहुत सी बार देखा है कि कुछ लोग सामने टिप पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं करना है आपको गाइज। हमेशा जो फिंगर्स के लेटरल पार्ट है वहाँ पे ही आपको टच करना है, क्योंकि गाइज सामने फ्रंट पे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होते हैं, तो अगर आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो ज़्यादा आपको पेन होगा। साइड वाली जगह पे अगर आप क्लिक करके वहाँ से अपना सैंपल विड्रॉ करते हो तो कम पेन आपको होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आपने अपना ग्लूकोमीटर को सेट कर लिया है, देख लिया है कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। दूसरा, इसके बाद में आपने लेंसिंग पेन या सॉफ्ट क्लिक पेन को यूज कर लिया है, इसको रेडी करके रखा है। थर्ड में आपको अपनी स्ट्रिप्स को लेना है, स्ट्रिप्स को लेने के बाद में गाइस आपको रेडी करके रखना है। स्ट्रिप्स को यूज करने के जस्ट बाद में आपको इसको एयरटाइट से फिर से बंद कर देना है, और स्ट्रिप को आपको इस प्रकार से यहाँ पे लगाना है। जो ये डॉट वाला पार्ट देख रहे हो गाइस, ये ऊपर की तरफ, इस पार्ट को आपको यहाँ पे स्लाइड करके अंदर की तरफ डालना है। ये देखिए गाइस, जैसे ही हमने इसको प्रेस करके अंदर की तरफ किया है यहाँ पे रीडिंग आ गई है और बीप की आवाज़ भी आ गई है। ओके गाइस, तो सिंपली जब आप देखोगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ के बाद में ब्लड ड्रॉप का बूंद भी आ रही है, ब्लड ड्रॉप ब्लिंक कर रही है, यानी कि आप अपना सैंपल डालने के लिए रेडी हो। और साथ में अगर गौर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेड लाइट भी शो हो रही है, तो स्ट्रिप है वहाँ का सेंसर एक्टिव है। तो इस समय में हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करवाना है इसको, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कुछ सेकेंड्स के बाद में बंद हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट जैसे ही आपने किया उसके बाद में अपने फिंगर को आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। आइडली तो अच्छे से घर पे ही इसको धो के पानी से और ब्लीचिंग ड्राई करके उसके बाद में ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना गाइस, कि ये वाला थोड़ा ग्लूकोमीटर दूसरे तरीका का है। अगर मैं साइड से निकाल के लगाऊंगा तो हो सकता है मैं अपनी ब्लड ड्रॉप अच्छे से नहीं निकाल पाऊँ, इसलिए मैं टिप पे ही कोशिश करता हूँ, टिप के साइड से लगाने की, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ओके गाइस, तो आपको सिंपली ऐसे
सबसे पहले फिंगर को ऐसे थोड़ा सा रब कर लेना है ताकि ब्लड सप्लाई अच्छे से बन पाए। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करके और क्लिक मार देना है। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। देखिए गाइस, क्लिक करने के बाद में मेरी एक अच्छी खासी ब्लड ड्रॉप आ गई है। इतनी ब्लड ड्रॉप आपको लेके जैसे ही आपने ब्लड यहाँ पे लगाया, आपकी रीडिंग आ जाएगी। मेरी रीडिंग आई है गाइस, अगर आप देख पा रहे हो तो 100 मेरी रीडिंग आई है। ये लगभग 10 बजे के राउंड में मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये वाली रीडिंग आपके पास में आई है। ओके, इस प्रकार से आपको अपनी रीडिंग ले लेनी है। रीडिंग लेने के बाद में सिंपली इस स्ट्रिप को यहीं से पुल करके आपको बाहर निकाल देना है। इसके अंदर में ऑटोमेटिक स्ट्रिप रिजेक्टर टूल नहीं दिया गया है, इसलिए जब वीडियोस के जो ग्लूकोमीटर्स के कंपेरिजन का वीडियो आएगा उसके अंदर में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी डिवाइस कैसे बेस्ट है। इसके अंदर में बैकलाइट भी नहीं आई है। अगर आप अंधेरे में अगर इसको यूज करते हो तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इसके लिए आपको लाइट की ज़रूरत ही है। लेकिन कुछ ग्लूकोमीटर्स में है जिनमें बैकलाइट भी आती है, डिस्प्ले के ऊपर में लाइट आती है। अब गाइस, अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो इस स्ट्रिप्स का कलर चेंज हो गया है। पहले जो लाइट ग्रीन थी, अब वो डार्क ग्रीन हो गई है। और उसको अगर हम इसके साथ में मैच करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी रीडिंग कितनी आई है। तो अगर मैं सही सही से देखूं तो गाइज अराउंड यहाँ पे ये रीडिंग मैच हो रही है। गाइज ये देखिए, ये 80 के अराउंड में है, और अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये लाइट पड़ रही है, और नीचे वाले में 300 के अराउंड में देखूंगा तो ये बिल्कुल मैच नहीं हो रही। तो गाइज ये 80 के अराउंड में मैच हो रही है, और ये एक अच्छी ही बात है। ठीक है गाइस, तो आप इसी से भी विजुअली चेक कर सकते हो। ग्लूकोमीटर खुद बता देगा कि कैसे इसको चेक करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैसे आप अपनी रीडिंग को देखना है, तो आप सिंपली इसमें एम बटन को प्रेस करिए। इसको प्रेस करने के बाद में आपको अपनी प्रीवियस रीडिंग्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। एम प्रेस करने के बाद रोकने रोक के रखा है, तो देखिए प्रीवियस रीडिंग आ गई मेरी 100 mg पर डेसीलीटर की रीडिंग। इसके अलावा इसको दोबारा से प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट रीडिंग आ जाएगी, लेकिन चूंकि एक ही रीडिंग है अभी हमारे पास में, तो एक ही रीडिंग हमें आई है। इसके अलावा गाइस, एक्टिव चेक में कुछ मोड्स भी दिए हुए हैं। जैसे अगर आप इस एस बटन को पहले प्रेस करोगे तो 7 डेज की हमारी रीडिंग शो कर देगा। इसके बाद में अगर प्रेस करोगे तो 14 डेज की हमारी टोटल रीडिंग्स एवरेज करके ये शो कर देगा। फिर अगर हम 30 डेज एक बार और प्रेस करते हैं तो 30 डेज की रीडिंग है, और लास्ट अगर फोर्थ टाइम हम प्रेस करेंगे तो 90 डेज की इसकी मेमोरी आती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 90 डेज में जब हम HbA1c हमारा करवाएंगे तो वो रीडिंग और इनकी रीडिंग ऑलमोस्ट सेम आएगी, तो हम एक तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये ग्लूकोमीटर अच्छा है, अच्छी रीडिंग आपको देता है। और इन सभी ग्लूकोमीटर्स के बीच का जो मेगा कंपेरिजन वाला वीडियो आने वाला है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी से ही आपको पता चलेगा कि हाँ, ये ग्लूकोमीटर बेस्ट है। और इसका ग्लूकोमीटर का इन डेप्थ रिव्यू वाला वीडियो भी जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है मुझे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेते आते रहते हैं इस चैनल पर, तो उसके लिए भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके।